एक बहुत ही चर्चित वक्तव्य है, या जैसे आप लोग एक तरह से कोट्स कह सकते हैं, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप लोगों ने देखा है कि आपके थाली बजाने की और आपके आंदोलन करने की आवाज पहुंच चुकी है आपके, या तो SSC बोर्ड तक बात कर लीजिए या फिर आप रेलवे बोर्ड की बात कर लीजिए, लेकिन अभी काफी हद तक आपको सफलता नहीं मिली हुई है, क्योंकि आपने देखा है कि अभी जो रेलवे की एग्जाम डेट आई है वो अभी 4 महीने लगभग उसके लिए है। रेलवे के रिजल्ट की जो डेट अनाउंस की गई है, इसके लिए भी आप देखेंगे कि अभी 15 से 20 दिन का टाइम। तो अभी कई लोगों का कहना है कि जो रेलवे एग्जाम कराएगा तो 21 पैटर्न पर करवाएगा। तो आप लोग याद रखिए हमेशा दो बातें, कि जो आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसके तहत आपने देखा है कि जो एग्जाम करवाए जाएंगे CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये अभी लागू नहीं होंगे। आपके जो अभी एग्जाम है एक पुराने पैटर्न पर रहेगा, और मैं इतना ही कहता हूं कि इस बार आप लोग निकाल लीजिए रेलवे को, क्योंकि आप देखेंगे अब अगर सिलेबस बदलता है तो पेपर कठिन आएगा और आपको अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाना होगा। ये 100% बात है कि लेवल कठिन आएगा, क्योंकि SSC बैंक वाला अगर आपका रेलवे पर भी लागू होता है तो आप इतना समझ के रखिए कि इसमें काफी बदलाव होंगे। तो आपने देखा होगा कि ये इसके फॉर्म भरे थे आपके अप्रैल के करीब 2019 में, पर आपने देखा है कि पेपर होना था आपका जून से सितंबर के बीच 2019 में, लेकिन नहीं करवाया गया। अभी कहा गया है कि आपके डॉक्यूमेंट चेक किए गए, अब आपके सही पाए गए ऐसा वैसा। तो याद रखिए इतना टाइम थोड़ी लगता है, लेकिन बहाने चाहिए तो चलिए कम से कम आ तो गई, अब आपके हाथ में है, क्योंकि आपको मुंह तोड़ जवाब देना है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि आप लोग पढ़ते नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आंदोलन करने बैठ जाते हैं। तो उनकी एक तरह से गाल पर तमाचा देने का टाइम अब आ चुका है। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको दो तीन काम करने चाहिए। एक तो उसके बारे में पहले एक जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, फिर उसका पैटर्न देख लेना चाहिए और उसका आगे बढ़ने का तरीका। तो जैसे SSC या बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम की तैयारी, तो अभी हम लोग रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन है आपका पूरा, इसे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, पढ़ते रहिए आप आराम से। अब सिलेबस की अगर बात करें हम लोग, तो याद रखिए दिसंबर से शुरू होगा ये। तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा, प्रथम चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें देखेंगे आप लोग की 90 मिनट मिलेंगे और प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। इसमें आप देखेंगे सामान्य जागरूकता 40 नंबर, गणित 30 नंबर और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति 30 नंबर। अभी आप देखते हैं कि इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका CET और NRA के बीच अगर पेपर होता है उसके तहत, तो आप देखेंगे कि इंग्लिश भी जोड़ दी जाएगी। तो मैं तो कहता हूं कि एक आपके पास बेहतर एक तरह से एक मौका है कि आप नौकरी पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होगा। इसे भी देखिए, वह नकारात्मक अंक होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाए। हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो आप लोग मैन चलिए इस पर, गणित, ये आपका गणित का सिलेबस है, ठीक है। मैथ, अंक प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम, इसके लिए मुझे लगता है कि अब इस समय में आप कोचिंग की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है आपको। आप लोग यूट्यूब पर जाइए, काफी मटेरियल पड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, उसके बाद इसे सभी इन चैप्टरों को आप लोगों को एक तरह से कवर करना है पहली बात, और मैं तो कहता हूँ नोट्स बनाते जाइए आप लोग। फिर दूसरी बार आप इसे भी कवर करिए और सामान्य जागरूकता को भी कवर करिए। तीनों को कवर करने के बाद एक आपके पास नोट्स हो जाएगा। 4 महीने का टाइम है आपके पास अभी, और आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं मुझे लगता है ऐसा। और रीजनिंग के लिए भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप काफ़ी मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप एक सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, ना कि आपने, मुझे लगा कि हिस्ट्री आपने कहीं और पढ़ ली, ज्योग्राफी आपने कहीं और पढ़ ली, फिर ज्योग्राफी कहीं और पढ़ी और फिर आपने दूसरी जगह भी ज्योग्राफी पढ़ ली, ऐसा मत करिएगा। आप एक क्रम से बिल्कुल पहले सिलेबस को पहली बार कवर कर लीजिए। जैसे सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो कंप्यूटर हो, फिर चाहे आपका साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या फिर कोई भी आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई भी आपका टॉपिक हो,
इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा। इतना मटेरियल दे चुका हूं कि और अभी अगर आपको लगता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पर PDF उपलब्ध करा दूंगा और जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसे समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी हम लोगों के द्वारा। तो इसके लिए आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपकी जो भी बुक्स हैं, जो भी मुझे लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, किरण सामान्य ज्ञान बुक्स, फिर चाहे आपकी लूसेंट हो, उसके आधार पर सब कुछ पढ़ा दिया गया है और इसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि इससे जाएगा। लेकिन याद रखिए, इस बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगली बार मुझे लग रहा है कि हम लोग, आप जो भी कुछ लोग हैं, वो सर्वर एक तरह से आप सोचिए कि उस कैटेगरी में पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि SSC बैंक का, रेलवे का भी, SSC बैंक का एग्जाम उठाकर देखिए पेपर, तो उसमें आपको पता चलेगा कितना टफ पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए, अभी आप लोग अभी इसी पैटर्न पर फॉलो करिए और आगे बढ़िए, हो जाएगा आराम से मुझे लगता है। सामान्य ज्ञान के लिए आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाकर देख सकते हैं और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पर चले जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी समस्या हो मुझे फेसबुक पर SMS करते रहें आप लोग, या जीमेल पर, आप जहां भी आपको सूटेबल लगे, या नीचे कमेंट में, जो भी समस्या होगी आपकी समाधान किया जाएगा, कोशिश रहेगी हर तरह की। ठीक, और करेंट के लिए भी आपकी डेली एक PDF डाल देता हूँ वैसे भी, और आप लोग वैसे भी टेलीग्राम पर सब कुछ डाल दूंगा, वहां सभी मटेरियल उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए यही है आपका, MP में भी जेल पैरी का है, उसके लिए भी पढ़ते रहिए, MP GK भी कवर करवा दिया था और UP GK भी, तो जो भी और भी अगर आपको लगता है कि और भी कुछ कवर करना है, सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ, तो वो मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है।